दोस्तों, किस्मत हर किसी को हीरो बनने का एक मौका जरूर देती है, फिर वो इस सूरत में हो या फिर यो जोगिंदर थराबा इस सूरत में। वैसे कुछ तो बिना कुछ किए सिर्फ कहीं हिट हो जाते हैं, जैसे आपको बस इस मौके को पहचानना है और इसका फायदा उठाना है। तो प्लीज ये मीम्स बनाने और शेयर करने में टाइम वेस्ट करना छोड़ो और इस मौके का फायदा उठाओ भाई साहब, ठीक वैसे ही जैसे मारवन अथापतु ने उठाया था। चार बार किस्मत के हाथों हारने के बाद पांचवीं बार मारवन ने किस्मत से वो मौका छीन लिया था और हीरो बन गए थे। भाई साहब, क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो किस्मत से अपना वो मौका छीन लेते हैं और अपने दौर का हर कारनामा और हर अवार्ड अपने नाम कर लेते हैं। मतलब वो जिस भी टीम का हिस्सा बनते हैं उसे चैंपियन बना देते हैं भाई साहब। जी हाँ, तो आज की ये वीडियो नाम है ऐसे ही लकी क्रिकेटर्स के जो एक ही सीजन में लगातार दो अलग अलग लीग्स के चैंपियन बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पे हमारे पास क्रिकेट की दुनिया का एक बेहतरीन ऑलराउंडर जिसने अपने कैरियर की शुरुआत 1993 में की थी, मगर 20 साल बाद तक अपने कैरियर के आखिरी दिनों में भी उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलस की। जैक कैलस आईपीएल 2012 के एडिशन में केकेआर का हिस्सा बनते हैं तो अपने बल्ले के साथ केकेआर के लिए 410 रन बनाते हैं और साथ में 16 विकेट्स भी लेते हैं। इनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से केकेआर फाइनल में पहुंचती है और फाइनल भी जीत जाती है। और फिर आईपीएल 2014 के एडिशन में भी केकेआर दूसरी बार चैंपियन बनती है और जैक कैलस केकेआर का हुक्म का इक्का साबित होते हैं जनाब। 2015 के सीपीएल एडिशन में जैक कैलस टोबैगो की टीम का हिस्सा बनते हैं और टोबैगो भी सीपीएल की चैंपियन बन जाती है। जैक कैलस इस सीजन के टॉप स्कोरर होते हैं और साथ में इनकी बॉलिंग भी शानदार होती है भाई साहब। मतलब जैक कैलस तीन बार अपनी टीम के लिए लकी रहे हैं और अपने कैरियर में तीन बार चैंपियन बने हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो ये कारनामा अपनी टीम साउथ अफ्रीका के लिए एक बार भी नहीं कर पाए। भाई साहब, दूसरे नंबर पे है हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर जिसका जन्म एक कमजोर टीम में हुआ, मगर अपनी परफॉर्मेंस और अपने दबंग अंदाज से वो एक शेर बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन की, जो अपनी टीम को तो कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जितवा पाए, मगर हाँ अपनी परफॉर्मेंस से कई सारी दूसरी टीम्स के हीरो बन चुके हैं भाई साहब। जैसे 2012 के आईपीएल एडिशन में शकीबुल हसन भी केकेआर का हिस्सा थे और केकेआर की जीत में इनकी 12 विकेट्स भी शामिल थी। 2014 में तो शकीब ने केकेआर को अपनी परफॉर्मेंस से कई बार मुश्किल सिचुएशन से निकाला था और केकेआर के लिए 11 विकेट्स लेकर 227 रन भी बनाए थे और दूसरी बार केकेआर को टाइटल जितवाया था। 2016 के सीपीएल एडिशन में वो जमैका की टीम का हिस्सा बनते हैं और इसी साल जमैका भी चैंपियन बन जाती है भाई साहब। मतलब शुरुआत के तीन चार साल तो शकीब की किस्मत भी ऐसे ही काम करती थी जैसे धूप में जादू का जादू काम करता था, लेकिन फिर दिन एक से नहीं रहे और शायद यही वजह है कि आजकल शकीब को गुस्सा बहुत आता है। भाई साहब, तीसरे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर जिसकी बॉलिंग की बात करें या बल्लेबाजी की, लंबे छक्के मारने की बात हो या बॉलर का कैरियर खराब करने की, हमारे माइंड में सिर्फ उसी का नाम आता है और वो है T20 क्रिकेट का बेहतरीन ऑलराउंडर केवन पोलार्ड। भाई, पोलार्ड आईपीएल के ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी क्रिकेट लीग्स के टाइगर श्रॉफ है। मतलब जहां जरूरत नहीं भी होती वहां भी हीरोगिरी दिखा जाते हैं भाई साहब। 2013 में जब वो मुंबई की टीम का हिस्सा बने थे तो मुंबई ने आईपीएल का पहला टाइटल जीता था जिसमें पोलार्ड ने 420 रन बनाए थे और 10 विकेट्स भी लिए थे। 2014 में वो सीपीएल में बारबाडोस की टीम के कैप्टन बनते हैं और किसी एक्शन हीरो की तरह वन मैन शो दिखाकर फाइनल जीत लेते हैं। 2015 में फिर से मुंबई के लिए उनका बल्ला 420 रन उगलता है और मुंबई फाइनल जीत लेती है और इसी साल वो सीपीएल में टोबैको रेड स्टील के कैप्टन बन जाते हैं और सीपीएल का टाइटल भी जीत लेते हैं। मतलब एक ही साल 2015 में वो आईपीएल और सीपीएल दोनों की ट्रॉफीज उठाते हैं भाई साहब। उसके बाद 2017 और 2019 का आईपीएल एडिशन में मुंबई इंडियन यानी पोलार्ड की ब्लू आर्मी ही जीतती है और 2020 में एक बार फिर वही होता है, मतलब पोलार्ड दो बार चैंपियन बनते हैं। आईपीएल में 2020 का टाइटल मुंबई इंडियन जीती है जबकि सीपीएल 2020 का टाइटल भी पोलार्ड की टीम टोबैगो नाइट राइडर जीत लेती है। पोलार्ड एक वाहद क्रिकेटर है जो अभी तक 10 बार चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। भाई, चौथे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर जो अपनी बॉलिंग से विकेट पर बल्लेबाजों को और अपने गानों से क्रिकेट फैंस को नचाता है। विकेट लेकर, कैच लेकर या फिर मैच जीतकर इसका सेलिब्रेशन अंदाज तो एक अलग ही लेवल का होता है। जी हाँ, धोनी की येलो आर्मी का सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी डीजे ब्रावो। ब्रावो ने सीएसके की जीत में सबसे पहला हिस्सा 2011 में डाला था जनाब और 2015 में तो वो सीएसके की तरफ से गेंद और बल्ले दोनों से छाए रहे थे। 2015 के आईपीएल एडिशन में ब्रावो ने 290 रन बनाए थे और 28 विकेट्स लिए थे और टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर भी बने थे।
2018 का साल ब्रावो के लिए वो लकी सीजन था जब सीएसके भी चैंपियन बनती है और सीपीएल में ब्रावो की टीम ट्रिनबैगो भी चैंपियन बन जाती है। मतलब एक ही साल ब्रावो भी दो बार चैंपियन बनने का मजा लेते हैं जनाब। और ऐसा एक बार फिर दोबारा 2021 में भी होता है जब सीएसके धोनी की कप्तानी में एक बार फिर मैदान मारती है। और दूसरी तरफ सीपीएल में एक बार फिर ब्रावो की टीम केएन पैट्रियट्स चैंपियन बन जाती है। मेरे ख्याल में तो ब्रावो बड़े ही लकी खिलाड़ी हैं, तो क्यों ना अगले साल आरसीबी को भी इन्हें आजमा लेना चाहिए, है ना। नंबर 5, भाई एक ही साल में दो बार चैंपियन बनना बिना हर क्रिकेटर के नसीब में नहीं होता, बल्कि कुछ तो बेचारे पूरी लाइफ में एक बार भी नहीं बन पाते, मगर कुछ को किस्मत वो मौका जल्द ही दे देती है, जैसे 2018 के पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को मिला था। शादाब खान 2018 के पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा थे और इसी साल पीएसएल का टाइटल भी इस्लामाबाद नहीं जीता था। शादाब की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें सीपीएल में भी सिलेक्ट कर लिया गया था और सीपीएल में वो ट्रिनबैगो की टीम का हिस्सा बनते हैं और ट्रिनबैगो भी सीपीएल का टाइटल जीत देती है। और ऐसे शादाब की किस्मत में इसे एक ही साल में दो बार चैंपियन बनने का मौका देती है भाई साहब। वैसे क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस टीम का हिस्सा बने हो वो चैंपियन बन गई हो? अगर आप भी अपनी टीम के लकी चाम हो तो कमेंट में जरा अपना किस्सा तो सुनाओ ना। नंबर 6, भाई कई बार किस्मत भी हमें ऐसा ही भाव दे रही होती है जैसे बाइक के पीछे बैठी लड़की स्विक वाले को, समझ रहे हो। ऐसा ही कुछ 2020 के आईपीएल एडिशन में रदरफोर्ड के साथ भी था, जो 2020 के आईपीएल में मुंबई इंडियन का हिस्सा बनते हैं और इस साल मुंबई इंडियन चैंपियन बन जाती है, जबकि इसमें रदरफोर्ड की परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन वो चैंपियन कहलाते हैं। अगले ही दिन वो पीएसएल में कराची किंग्स की टीम का हिस्सा बनते हैं और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कराची किंग को सुपर ओवर में जीत दिलवाते हैं। इसी जीत से कराची किंग फाइनल में पहुंचती है और फाइनल में भी लाहौर कलंदर से जीत कर चैंपियन बन जाती है। और ऐसे ठीक 7 दिन बाद रदरफोर्ड एक बार फिर चैंपियन बन जाते हैं भाई साहब। क्या आपकी किस्मत ने भी कभी आपको ऐसा भाव दिया? नंबर 7, भाई T20 फॉर्मेट के लिए सबका मानना है कि भाई साहब इसमें सिर्फ बल्लेबाजों का ही राज होता है, लेकिन एक लेग स्पिनर ने सारे किस्से और सारी कहावतें बदल के रख दी है भाई साहब। वो पीएसएल में 5 साल से हारती आ रही लाहौर कलंदर की टीम में शामिल होता है और लाहौर कलंदर की तो जैसे किस्मत को ही बदल के रख देता है। लाहौर कलंदर की टीम सभी टीम्स को हराती है और टॉप पर आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राशिद खान की। राशिद खान पीएसएल 2022 में लाहौर की टीम का हिस्सा बनते हैं और अपनी जबरदस्त बॉलिंग और बल्लेबाजी से लाहौर को फाइनल तक पहुंचाते हैं। लाहौर पहली बार फाइनल जीतती है और राशिद खान चैंपियन बन जाते हैं। फिर आईपीएल 2020 आता है जहां राशिद खान को गुजरात टाइटन खरीदती है और हम देखते हैं कि राशिद खान के सामने कोई भी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाता। राशिद खान अपनी बॉलिंग, बैटिंग इवन कैप्टेंसी में भी अपना बेस्ट देते हैं और आखिर गुजरात टाइटन फाइनल में पहुंचती है और अपने पहले ही आईपीएल एडिशन में फाइनल जीत कर चैंपियन बन जाती है। राशिद खान एक ही सीजन में दो चैंपियन टीम्स के हीरो भी बनते हैं और लकी चाम भी। वैसे आप भी हमारे लिए ऐसे ही लकी हो जैसे लाहौर और गुजरात के लिए राशिद खान, इसलिए सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इंस्टा और फेसबुक पे भी हेलो हाय बोलना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।